हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें। जी वापस आते हमने गुफ्तगू की तरह। सर मुश्किल बड़े हैं ये रास्ते, कहते इन्हीं पत्थरों पे चल के जो आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। सर वो मालूम है कि रास्ते सब मुश्किल हैं, आप लोगों ने तो भी शुरू किया है रास्ता चलना, पाँव पाँव चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, वो ठीक है, लेकिन सर कोई तो बेस हो कि आप ये कह रहे हैं। फतियाना साहब ये बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि 70 सालों में आने वाली कोई भी पार्टी काम नहीं कर पाई है, बेकार रही है, क्या क्या करना क्या चाहिए? हमारा सब बात यह है, स्ट्रांग लीडरशिप हो, पार्टी में जान हो, काम करने की सलाहियत हो, तो कौमों को आगे बढ़ने में 10 साल बहुत होते हैं। आप देखें वर्ल्ड वार सेकंड में चाइना जापान बिल्कुल तबाह हो गया, एक वक्त आया कि वो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी बना। चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, आज दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है। आप देखें यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं या अपना ये जो सोशल इंडेक्स है उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़, उनमें एक सिस्टम उन्होंने बनाया, वहाँ पे जमहूरियत है, उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचा। उन मुल्कों में किसी को, किसी सियासतदान को, मेंबर पार्लियामेंट को, मिनिस्टर को जरूरत नहीं है किसी सरकारी मुलाजम को फ़ोन करके कहे कि ये इसको फेवर दें, इसके इस ये हमारे मुखालिफ पार्टी के इसको दबा के रखें। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी रियासत के मतायत है, हुकूमत के मतायत नहीं है। और पाकिस्तान में कैद आज़म ने भी कहा था कि अफसरशाही को हुकूमतों के, सियासी जमातों के, सियासतदानों के ताबे नहीं, रियासत के ताबे होना चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पे कोई इदारा अगर सही फंक्शन करता तो आज ये हालत ना होती। तमाम इदारों को रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन और रिफॉर्म की ज़रूरत है। इन इदारों को तोड़कर नया इदारा बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे न रिश्वत हो। आपको यहाँ इंटरप्ट नहीं करना है, आपने कहा जी नए इदारे बनाने की जरूरत, इन्हीं को रीस्ट्रक्चरिंग की मैंने बात की। दुनिया के हर चीज के लिए ना सर लॉ बने पड़े हैं, सर लिखा पड़ा है सब कुछ, दुनिया की हर अच्छी बात कही जा चुकी है, नीति है, इम्प्लीमेंटेशन सर। मैंने अर्ज किया कि लीडरशिप की कमी है, नहीं नहीं नए लॉ कौन करेगा? मेरी बात सुने, लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर से आएगी, बाहर से नहीं आएगी। 20 करोड़ लोग बांझ नहीं है, इसमें टैलेंट मौजूद है, उन्हें मौके नहीं आगे जाने के मिलते। यहाँ मौका मौका मेरी बात सुने, मैंने लॉ की बात नहीं, मैंने रिस्ट्रक्चरिंग की बात की है, तंजीम नौ इस्लाहात की बात की है। अच्छा, यहाँ पे होनी जी यहाँ पे ऐसे तमाम नैब खत्म कर रहे तो कहते हैं ये भी इस्लाहात। मेरी बात सुने ना, मुझे बात करने दें आप। मैं अर्ज करूँ कि यहाँ पे इन्हीं इदारों से काम लिया जा सकता है। क्या करना होगा? नंबर वन, इनको कहना होगा कि सिफारिश, रिश्वत, वाकफियत के बगैर आपने सबका जायज़ काम करना है और पाकिस्तानी को रिस्पेक्ट देनी है। जहाँ रुकावट होगी उसकी एक ही सजा है, नौकरी से डिसमिसल। अगर कई लाख लोगों को भी अवाम लीग ने निकालना होगा तो निकाल बाहर करेंगे, लेकिन मुल्क में इंश्योर कर देंगे इंसाफ और अदल। को भी जाके एक मिनट में पर्चा पकड़ा के आ जाते, निकाल देते हैं। देखिए ना, मैं आज करता हूँ ना, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ रिश्वत, सिफारिश, वाकफियत का खात्मा होना चाहिए। यहाँ ब्यूरोक्रेसी को रियासत के ताबे होना चाहिए। यहाँ पे फलाई रियासत हो, यहाँ पे तालीम, इलाज हर सतह पे मुफ्त हो, यहाँ पे रहायशी सहूलतें हों। आइन का आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, अप्रोप्रिएट हाउसिंग, फूड सिक्योरिटी और एजुकेशन। उस पर अमल नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर बाकी मुल्कों में ऐसा निज़ाम चल सकता है जहाँ गरीब, यतीम, बेवा, मस्कीन लोगों को रियासत माँ का दर्जा देकर संभालती है, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, हाउसिंग फ्री है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज मिल रहे हैं, सफारत रिश्वत का रास्ता बंद है, ब्यूरोक्रेसी के किसी अफसर को जरूरत नहीं है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए सियासतदान हुकूमतों का कोई रोल नहीं है, ऐसा निज़ाम अगर दुनिया के बाकी महज़ब मुल्कों में चल सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सकता? अच्छा, आपने एक बात की है कि जी फारिग कर दो एक मिनट में अगर कोई काम नहीं कर रहा तो, अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, ऐसी मिसालें शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में करके दिखाई हैं सर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, उनका तो और मकसद होता है कि अगर आपने मेरे कहने पे अपोजिशन को सिक्रियो किया है, आपने मेरी यस मैन, नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना, ऐसी बात नहीं है। उनका तो तरीकाकार ही है कि जो नून लीग का गुलाम है सरकारी अफसर, वो जूनियर अफसर भी बड़ी पोस्टों पर लग जाएगा, जो अपराइट होगा, सीधी बात करेगा, वो सारी जिंदगी ओस्ट बन के घर में रहेगा। ये तो ऐसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इनका तरीका वारदात ही है कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए ये मुल्क को मैनेज करते हैं, लोगों को गुलाम बनाकर रखते हैं। आज पाकिस्तान में नून करती है ये। जनाब ये खास तौर पर नून ली करती है, और बाकी पीपल्स पार्टी में कदर फिर भी वजह दारी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं अर्ज करूँ
کہ بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پہ اپنا ہم نے لوگوں کو استعمال کیا ہے اپنے اقتدار کے لیے، اپنی دولت میں اضافے کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے. اس چیز کو ختم کرنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ عرصہ زیادہ نہیں نظام چل سکتا. استحصال اور سامراج کا نظام زیادہ عرصہ اس ملک میں نہیں چل سکتا. وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور ہر بڑی گاڑی والے کو روک رہے ہوں گے، ہر بڑے ہاؤس کو روک رہے ہوں گے، ہر بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار کے غریبان کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ ہمارا یہاں نکالو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک تھا ایک انقلاب کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں تعلیم رہے سر پنجاب کیا جی تعلیم کے بارے میں، ابھی پچھلے دنوں اسکول کے جو پرائیویٹ اسکولوں کے پیرنٹس ہیں، ان کے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں سر، وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے اور صرف ایک ہی ان کی صدا تھی کہ یہ کم کرو فیسیں ہمارے بچوں کی. حالانکہ بڑے اچھے گھروں کے، امیر گھروں کے بچے وہاں پہ آتے ہیں، لیکن اس قدر فیسیں بڑھا دی گئی ہیں کہ وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہے جو ایک اچھی فیملی، بڑی فیملی ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا بات یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں منشیات سے بھی زیادہ انکم ایجوکیشن سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو عوام کا خون نچوڑ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب تک میں عرض کرتا ہوں نا، ہونا یہ چاہیے کہ ریاست کو اپنی سپینڈنگ ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کرنی چاہیے. ہم تو 2% آف جی ڈی پی کا 2% بھی ایجوکیشن پہ نہیں خرچ کر رہے. ہمیں کم از کم میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن ایمرجنسی لگا کے منیمم 10% اپنے ٹوٹل وسائل کا ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ خرچ کرنا چاہیے. جی میرے دور میں تو بہت کام ہوا ہے، اس دور میں 40 سے زیادہ اصلاحات ہوئی ہیں، اس دور میں بے انتہا کام ہوا ہے. ہمیں اپنے پبلک سیکٹر، سرکاری اداروں کو مضبوط کرنا ہے، کوالٹی ایجوکیشن دینا ہے، نصاب کو دنیا سے ہم آہنگ کرنا ہے. وہاں ٹیچرز کی باڈی سر، یہ جو فتیانہ صاحب ایجوکیشن کی ریگولیٹری باڈی، اسپیشلی جو اسکولس کی ہوتی ہے اس کی ریگولیٹری باڈی، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے فتیانہ صاحب، یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اسکول کو رجسٹر کرے، اس کے بعد اختیار ہوتا ہے کہ وہ نصاب کے بارے میں بھی کسی قسم کی ریسٹرکشنز لگا سکتی ہے، تیسرا اختیار ہوتا ہے ان کے پاس کو فیسوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معاملے طے کرتی ہے. لیکن اس ریگولیٹری ایجوکیشن کی اس ریگولیٹری باڈی نے کسی قسم کا معاہدہ نہیں کیا سر. یہ حکومت کا فیلئر ہے. مجھے بات مکمل کر لینے دیں، آپ اپنی باری میں، میں نے انٹرفیئر نہیں کیا. گزارش نہیں، آپ کو بہت ٹائم ملا، میں تو آپ کو بولا ہی نہیں آپ کے درمیان، میں ان کے درمیان بولا ہوں. اصل میں وزیر تعلیم رہ چکے تچھی سا. میں عرض کرتا ہوں میرے دور میں کلاس 1 سے انگلش کمپلسری قرار ہوئی، غریبوں کے بچوں کو بھی ہم نے انگلش پڑھائی، ورنہ 6 کلاس میں غریب کا بچہ پڑھتا تھا، پہلی جماعت میں امیر کا بچہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتا تھا. ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع ہوا، فیسوں میں کمی ہوئی، اسکالرشپس میں اضافہ ہوا، لائبریریوں کے اوقات بڑھے، یہاں پہ ایک اسکول مینجمنٹ کمیٹیز بنی، ایک پورا ایک سسٹم ایجوکیشن کا ایگزام کا سسٹم سارا ہم نے چینج کر کے رکھ دیا. ہم نے پنجاب میں شروع کیا تھا. آپ کے ڈگری سرٹیفکیٹ پہ فوٹو میرے دور میں لگے ہیں، انوویشن بیس یہ فیصلہ تھا کہ آپ کی ڈگری پہ اور کی نوکری کرتا تھا. یہ بہت بڑے 40 سے زیادہ اقدامات ہوئے ہیں میرے دور کے اقدامات، آج بھی اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس میں پہلی بات ہے نیت کی، دوسری بات ہے کیپیسٹی کی، کہ جو فیصلے کرنے والی طاقت ہے اس میں صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، کریڈیبلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے. اچھا پھر اس کے بعد دانش اسکول کی شروعات کیوں کی؟ دانش اسکول تو ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک این جی او ہے، گورنمنٹ کا ادارہ تو یہ ہے ہی نہیں. پرائم اربوں روپے کی، جناب میں عرض کرتا ہوں کروڑوں روپے کے سرکاری اسکولوں کو اونے پونے ایک این جی او کے حوالے کیا جا رہا ہے، ان کی ملکیت میں دیا جا رہا ہے، اس میں کئی خفیہ چہرے اس کے بورڈ آف گورنرز میں، ان کی مالکی میں، ملکیت میں ہیں. یہ تو جب حکومت جائے گی میاں شہباز شریف صاحب کی تب پتہ چلے گا. انہوں نے دیہات میں میل مردانہ زنانہ پرائمری اسکولوں کو آپس میں ادغام کر دیا ہے. اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی بچیاں تعلیمی اداروں سے اٹھا کے گھر بٹھا لی ہیں، ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ گیا ہے اسکولوں میں. دیہاتوں میں تو مرد عورت بچے اکٹھے پڑھ ہی نہیں سکتے. سر بہت شکریہ اس انفارمیشن کے دینے کا. اپوزیشن لیڈر بڑی بات کرتے ہیں سر، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ نثار صاحب جو ہیں یہ آسٹریلین طوطے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو تھا، اس کے اوپر اپوزیشن کا سر ایک لفظ کبھی نہیں سنا ہم نے. یہ ایجوکیشن کے بارے میں سر دانش اسکول نے کیا کچھ کیا، ابھی ابھی فتیانہ صاحب نے بتایا. 2008 سے 2013 تک جو پیپلز پارٹی کا ٹینیور ہے، اس میں ایک ادارہ بنا پیرا، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ریگولیٹری اتھارٹی، ٹھیک ہے، وہ اس وقت بنا فنکشنل رہا. اور آج ان کے دور میں، آج 2017 میں، وہ ابھی تک وداؤٹ چیئرمین چل رہا. پتہ نہیں چل رہا فنکشنل ہے یا جی، وہ بغیر اس کے فنکشنل بھی نہیں ہے، اس کے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں. دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولس کو بھی بک پرووائڈس کی جاتی تھیں، یو این کے پروگرامس تھے، جو سلیبس وغیرہ جو اس کی فنڈنگ تھی، مطلب جو بھی ہمارا ہم یہ تھا کہ ہم نے ایجوکیشن فار آل والے
क्योंकि मुझे इतना बाहर का नहीं पता, इस्लामाबाद का मैं कह सकता हूँ, उसमें यही था। उसमें हमने जब हमने स्कूल बसेस का किया, एक पेज पे हम लेके आए, येलो कलर में लेके आए, स्कूल बस रेंट ख़त्म कर दिया, और फिर हमने इस्लामाबाद में ये किया कि इस्लामाबाद के जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट किया। ये देखें, ये आपको 2013 के बाद से, अब जो आपको ग्रेजुएशन इस्लामाबाद के जो इंस्टीट्यूट्स के कर रहे हैं बच्चियां बच्चे कर रहे हैं, उनको डिग्री अब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मिल रही है। देखिए, अगर वो इदारा बना हुआ है, सर, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसके बारे में फतियाना साहब ने कहा, इस पे ऑपोजिशन का कोई स्टैंड, कोई लफ्ज नहीं निकला कभी भी, कभी स्टैंड बिल्कुल नहीं निकला होगा। मैं ये कहता हूँ कि फतियाना साहब क्योंकि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, साबिक वजीर तालीम भी हैं, अगर कोई ऐसी चीज हुई हुई जो नॉलेज में ना आई हो, बात आपके नॉलेज में आती है, आज मेरे सामने ये चीज आई है, दानिश स्कूल वाले ये तो पता था कि कोई प्राइवेट सेक्टर उन्हें बना रहा है और उसमें हमदा शहबाज रीफ साहब जो हैं उसके हेड भी वही हैं दानिश स्कूल के, ये चौधरी परवेज इलाही साहब तो हमेशा से दानिश स्कूल के बारे में बात करते ही रहे हैं। अब ये नहीं पता कि मेरे हल्के में पीरमल का इलाका है, वहाँ पे एक बहुत प्राइम लैंड है, कम अज़ कम वो 60-70 करोड़ रुपये की ज़मीन है, गरीबों के बच्चों ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तो फ्री एजुकेशन है, दानिश स्कूल में 2,500-3,000 पैसे कम फीस नहीं है और फीस भी इस पे ज्यादा है, और वो प्राइम लैंड उन्होंने शहर के अंदर पीरमल के दानिश स्कूल के वाले कर दी गवर्नमेंट हाई स्कूल से वापस लेकर, और उस पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनको पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और कह रही है ऊपर से खादिम आला का हुक्म है कि सब कुछ हैंड ओवर कर दें इनको, खादिम निकाल दें, आला ही आला रह गए। बाबर साहब ये बता दें कि नैब के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, नैब ने कि हम तो अब नोटिस आपको देंगे नहीं कि आप पेश हो, अब शायद मामला कुछ और हो। अपोजिशन लीडर कहते हैं 119 के आने से पहले संभल जाएं, तो ये वो धमकी दे रहे हैं या बता रहे हैं कि 119 आने वाली है? अपोजिशन लीडर जो खुर्शीद शाह साहब हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी अच्छी सोच समझ के बात करते हैं, लेकिन आखिर उनको 4 साल बाद ये सारी बातें करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? 2013 में नहीं की, 2014 में नहीं की, 16 में नहीं की, गर्मी नहीं। अब नहीं, बात यह है कि पहले तो जो तमाम चीज़ें होती थी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से हो जाती थी, दूसरी बात यह है कि नैब में क्यों नहीं पेश हुए? नैब में उनका एक मौकफ आया है कि हमने जो पहले रिव्यू पटिशन दायर की है उसके ऊपर हम जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता हम वहाँ पेश नहीं होंगे। नैब में क्यों नहीं पेश होंगे? अगर एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर, अब तो वज़ीर आज़म नहीं रहे, अगर वो JIT में पेश हो सकता है तो नैब में पेश होना उसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। वेट क्या, किस चीज़ वेट इस चीज़ का कर रहे हैं? पहले वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा फैसला सही तरह नहीं किया गया, जिस चीज पे हमें निकाला गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं, बात ही मुकिल नहीं, तो, नहीं, वो कहते हैं मैं वापस लाऊं उसके बाद हम आएंगे नहीं, नैब के बात सामने। नहीं, रिव्यू पटिशन से उनको हो सकता है कोई उम्मीद हो, लेकिन बात यह है कि जितनी भी रिव्यू पटिशन अभी तक आई है, ये बात ठीक है कि आपका लीगली, लीगली, जो है, लीगली तो ठीक नहीं है, लीगली तो कभी भी नहीं ठीक होता, जिसको भी बुलाया जाता है उसे जाना चाहिए, और ये एक अच्छी रवायत डाली थी उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर JIT में पेश होकर कि एक उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया था। अब वो कहते हैं वापस PM बनाओ तो मैं रिवाइट डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा। ये बात नहीं है, वो तो ठीक है, पॉलिटिकल जमातों का है, क्योंकि हम अपने वो चीजों पे तजिया कर रहे हैं। दूसरी बातें ये हैं कि जो मतलब ये एजुकेशन की बात है, तमाम इन्होंने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया उसके बाद बहुत सी रिफॉर्म्स की, जिस तरह फतियाना साहब ने कहा कि रिफॉर्म्स की वाकया ही जरूरत है और हर इदारे में जरूरत रहती है, और आप बहुत अच्छे इदारे भी बना लें तो उनमें आए रोज कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है, साइंस की वजह से बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं, और आप अपने आप को भी, आप एज ए ह्यूमन बींग भी अपने आप को बेहतर से बेहतर करते हैं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पेश करते हैं, तो अगर इदारों में रिफॉर्म्स हो जाती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ तक बात आ गई कि जी ये एजुकेशन की बात, एजुकेशन में ये हमेशा कहते थे कि जी हम इसका बजट जो है दुगना कर देंगे, इसके लिए ऐसे नहीं, बाद साहब ने एक पूरा प्रपोजल, ठीक है क्योंकि 2% लगता है, नहीं नहीं 2% लगता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन वो भी नहीं इनसे हो सका, किसी से भी नहीं हो सका। हम ये नहीं कहते कि पहलो ने कर लिया या नहीं किया, किसी से भी अभी नहीं। आप देखें एजुकेशन का बजट हमारा कितना है, 2.5% लगता है बाकी, और दूसरा जब से इन्होंने वो किया है और ये 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत से महकमों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, उसके बाद से इसलिए बेड़ा गर्क हो गया कि फेडरेशन में रहे महकमों को फिर भी कोई ना कोई चीज है, या हेल्थ है मिनिस्ट्री है, अब हेल्थ मिनिस्ट्री के पास टोटल 5 हॉस्पिटल थे, एक पूरी मिनिस्ट्री थी, पंजाब का नहीं,
18th अमेंडमेंट के बाद आप ये भी तो देखें ना, देखें के बाद आप मुझे ये बताएं था क्या पांच अमेंडमेंट को हुए कितने साल हो गए, उसके बाद आप देखें ख्याल नहीं है पांच उनके पास हॉस्पिटल हैं तो और बढ़ाए नहीं उसके अंदर जो आते थे मिनिस्ट्री के नहीं जब इमिग्रेशन की मिनिस्ट्री हमने क्योंकि वो प्रोविंसेस में थे नहीं उसको कंट्रोल तो करती थी फतियाना साहब जब आप खुद वो रहे हैं वजीर तो आपके जो फेडरल मिनिस्टर अच्छा थे जी ये 119 के बारे में ये अपोजिशन लीडर साहब कहते हैं 119 का सर ये क्या बात है वो धमकी दे रहे थे जी 119 का कोई डर है या 119 लग सकती है ऐसी बात पीएमएलएन ने नहीं की है खुर्शीद साहब ने क्यों की है ये बात देखिए नहीं ये तो वही बता सकते हैं वही बता सकते हैं और दूसरा एक ये अन्य चीज है अगर कोई दफा आते हैं तो ये उनको पता होंगी कि 119 के मामले आप सियासतदान है ये कोई बात है वो 119 वाली सही मामले जा रहे हैं आप सियासत वाली बातें करें आपसे 119 की बातें कर रहे हैं देखिए जी मैंने आपको पहले बताया कि ये शाही खानदान है ये सही ये बात खुर्शीद साहब ने की है देखिए उन्होंने उन्हीं के बारे में की है ना शाही खानदान के बारे में की है ना अगर शाही खानदान इस तरह जिद पे अड़ा रहता है ना अक्सर आप देखते हैं हिस्ट्री देखते तो शाही खानदान जो है ना वो अपनी जिद की वजह से अपने सर, तो इसका मतलब है कि वो अपोजिशन का रोल नहीं कर रहे हैं वो कहीं पे कंधा रखना चाह रहे हैं 119 का नाम लेके मैं वो बात कह रहा हूँ कि इसी तरह ना आप हिस्ट्री देख रहे हैं शाही खानदान जो होते हैं ना वो अपनी जिद और अना की वजह से ना अपना इक्तदार भी खत्म करवा देते हैं सारी चीजें खत्म करवा देते हैं इसीलिए वो भी कह रहे हैं शाही खानदान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब ये जी समझाया है कि ठीक है करके माने आपके मतलब उन्हें समझाने की कोशिश है ना कि आप ये हर धर्मी छोड़ दें आप आर्टिकल जो वन वन हर धर्मी छोड़ के अब एक जो चीज है जो फैसला है अदलिया ने जो फैसला किया है या जो कुछ भी है उसको तस्लीम करें अगर रिव्यू पिटीशन में गए तो उसको भी फैसला उसमें सेटिस्फाइड आर्टिकल जो वन वन भी चीज है ना जो आर्टिकल 119 है आर्टिकल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहता है कि आप जो है ना लायबल हैं यानी कि आपको मस्ट अपीयर होना है अगर आपको कोई भी अथॉरिटी यू आर अकाउंटेबल टू द क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो इसलिए वो कहते हैं कि 119 का जो है वो लगाना चाहिए नहीं लगना चाहिए इस तरह तो बड़ी बड़ी वायलेशंस हुई हैं कोई ये पहली वायलेशंस में आर्टिकल 6 की तो बात कोई करता नहीं है उस पर भी तो बात कर 119 तो बहुत छोटा सा आर्टिकल है ना सर बात तो सिर्फ यही ना कि अभी भी कंधा उनका ढूंढ रहे हैं जिनके जिनकी आप हमेशा ब्लेम लगाते हैं तो गलत बात है ना अच्छा ये कंधा कभी आपकी पार्टी को जरूरत पड़े तो क्या करेंगे देखिए अब अवाम की पार्टी है अवाम में रहेगी अवाम की हकमियत कायम करेगी और हम तो ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जहाँ फलाई रियासत हो अदल इंसाफ हो मसावत बराबरी और जमहूरियत हकीकी जमहूरियत हो इतनी अच्छी बात है, खुश हो जाती सुन के मिलावट शुदा जमहूरियत ना हो इंसानी हकूक हो जो आइन का आर्टिकल 26 से 28 तक हम स्टेट गारंटी फराहम कर रही इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आपका आइन कहता है उस पर अमल नहीं हो रहा हम यहाँ पे तो इंसान की इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाना चाहते हैं यहाँ पे तमाम लोगों का फ़र्ज़ और अख्तियार और उनके हकूक़ का तय्यून करना चाहते हैं उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं और पाकिस्तान को एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं पूरी मुस्लिम उम्मा में भी और थर्ड वर्ल्ड में भी और साउथ एशिया में भी ऐसा मुमकिन है इसके लिए कुछ करना होगा फर्स्ट क्वेश्चन पे मेरा ख्याल है फतियाना साहब ने भी अवाम लीग नाम की रजिस्टर्ड करवाई है तो आपने पहले भी कहा था शायद ये भी रजिस्ट्रेशन में आ गया एक साल पहले फतियाना साहब ने अपनी पार्टी रजिस्टर करा लिया अब इसके साथ और क्या नहीं लेकर इन्होंने तो बहुत पहले कराई 2016 में करवाई नहीं मतलब आगे यही आगे आ सकती है ना क्यों आ सकती है मेहनत करने से देखिए यही कह रहे हैं ना कि जो क्रिएशन होती है ना वो उसमें मुस्लिम लीग सियासतदान के तौर पे बताइए पीपल्स पार्टी के साथ लगेगा ना सिर्फ ऐसा आखिरी बात का टाइम थोड़ा शॉर्ट है पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पे बताइए एक सियासतदान के तौर पे बताइए तीसरी इम्पोर्टेंट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज एक पाकिस्तानी के तौर पे क्या नैब जैसे इदारे को काम करने देना चाहिए या उसको डीरेल कर देना चाहिए मेरे ख्याल में जो नैब का इदारा है ऐसे इदारों को एक पाकिस्तानी बनके बताइए नहीं पाकिस्तानी बनके मैं कहूंगा मेरा कोई ये नहीं कि काम करना देना चाहिए मगर उसमें अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए अब ये नहीं कि आप वन साइडेडली चलते रहे ठीक है अकाउंटेबिलिटी करें ना सारों की करें मगर अब ये नहीं कि जब आपको जो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर या कोई आपको अप्रोच कर रहा है कह रहा है कि इसके खिलाफ ये रेफरेंस बना दो ये कर दो ये चीजें नहीं कार्ड सिस्टम रखते हैं कि जिस कार्ड के ऊपर करनी है और इस पे ना तो ये देखें ये चीजें नहीं होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी हो हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड हो ठीक है बिल्कुल ठीक है सब तरफ हो मैं भी उसमें शामिल हूँ आप भी शामिल हैं हम सारे उसमें शामिल हैं
बिल्कुल ठीक है सर, आज के प्रोग्राम को यही इख्तिताम करेंगे। ये बहुत खुशाइन बात है कि सियासतदान कम से कम ये बात पे अग्री, इस बात पे अग्री हैं कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो और तमाम चीज़ों में काम होना चाहिए, वाकफियत की बेसिस पे नहीं होना चाहिए। कायदे आज़म का पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो उसी कायदे आज़म 1947 और वो गवर्नर जनरल पाकिस्तान उसकी टेबल पे ला के उसका सेक्रेटरी एक कार्ड रखता है और उस कार्ड पे लिखा होता है ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल पाकिस्तान, गवर्नर जनरल पाकिस्तान का भाई। वो गुस्से से कार्ड को फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं और अपने सेक्रेटरी को कहते हैं उस शख्स से कहना कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। वाकफियत की बेस पे जो सियासत आज हो रही है उसको ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो इदारों के अंदर हो या इदारों के बाहर हो या सियासी पार्टीज़ के अंदर हो रही हो, बड़े इदारे हों छोटे इदारे हों, वाकफियत की बेस पे जिस रोज़ कार्ड फेंक के फाड़ देंगे उस रोज़ शायद मुल्क फिर से तरक्की की राह पे गामजन होगा। आज के प्रोग्राम हम देखते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे।